Good morning everyone. Today we have to start our new poem which is named as Garden Snake. ठीक है, एक snake के बारे में बताया जा रहा है जो बिल्कुल भी harmful नहीं होता है, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाता है. उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसका नाम दिया गया है गार्डन स्नेक, मतलब बगीचे का सांप जो कि कीड़े मकोड़े खाता है, इंसानों को हार्म नहीं करता. हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग अ मैंगूज और गेटिंग अ इनटू अ होल और स्विमिंग इन द रिवर? क्या आपने कभी भी ऐसे सांप को देखा है जो नेवले से लड़ रहा हो, या फिर अपने अपने होल में जा रहा हो, या फिर स्विम कर रहा हो, तैर रहा हो पानी में? ऑलमोस्ट एवरी वन बिलीव दैट स्नेक्स आर डेंजरस. हर कोई, मतलब हर कोई यही मानता है कि सांप जो हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं. सम आर, मोस्ट आर नॉट. पर बात क्या है, कुछ डेंजरस होते हैं और ज़्यादातर डेंजरस नहीं होते हैं. रीड दिस पोयम ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. अब ये पोयम पढ़ो एक हार्मलेस गार्डन स्नेक के बारे में जो कि किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाता है. क्या है पोयम में? आई सॉ अ स्नेक एंड रेन अवे. ऑदर बोलते हैं, मैंने सांप देखा और मैं वहाँ से भाग गया. सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से, क्योंकि मैंने दे से मतलब मैंने ऐसा सुना था किसी से, किसी ने मुझे बताया था कि कुछ सांप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जहरीले होते हैं. बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड. पर मम्मी ने मुझे जब भागते हुए देखा तो उनने मुझे बताया कि ये जो सांप तुमने देखा है ये अच्छा काइंड का है, अच्छे प्रजाति का सांप है, ये काटता नहीं है. एंड ईट्स अप स्नेक फॉर हिज फूड. और ये सांप अपने खाने के लिए इंसानों को नहीं डसता है, ये कीड़े मकोड़ों को खाने वाला सांप है, ये डेंजरस नहीं है. सो व्हेन ही व्रिंगल इन द गार्डन इन द ग्रास, तो ऑदर बोलते हैं, जब भी मुझे ग्रास में, घास में सांप के रिंगल होने का एहसास होता है कि कुछ चल रहा है, कुछ रेंग रहा है, आई स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास. और मैं तभी तुरंत क्या करता हूँ कि मैं बिल्कुल उस जगह से साइड में जाके खड़ा हो जाता हूँ शांति से, और सांप को पास हो जाने देता हूँ, मतलब धीरे से निकल जाने देता हूँ, वो मुझे बिल्कुल हार्म नहीं करता. एंड टेल माई सेल्फ देयर इज़ नो मिस्टेक. ऑदर बोलते हैं, फिर मैं खुद से बोलता हूँ. टेल माई सेल्फ मतलब कि मैं खुद से बोलता हूँ, देयर इज़ नो मिस्टेक, ये तुमने कोई गलत काम नहीं किया. इट जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. तुमने खड़े होके एक जगह उसको निकलने दिया, ये तुमने कोई गलत काम नहीं किया, कोई मिस्टेक नहीं की, कोई गलती नहीं की, अच्छा हुआ तुम नहीं भागे. मतलब ऑदर खुद से बात कर रहा है कि अच्छा हुआ तुम नहीं भागे, तुमने कोई गलती नहीं की, कोई मिस्टेक नहीं की यहाँ खड़े होके, क्योंकि ये सिर्फ एक गार्डन स्नेक है जो कि सिर्फ गार्डन्स में रहता है, मतलब बगीचों में रहता है, और इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को खाता है, ये इंसानों को हार्म नहीं करता, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता. ठीक है, तो छोटी सी पोयम थी, कंप्लीट हो गई है, कल क्वेश्चन आंसर्स दे दिए जाएंगे. थैंक यू.